अरविंद जी श्रीमान नमस्ते। जी, मैं अरविंद कुमार पुरवा देवरिया, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, उसमें मैं खेती करता हूँ गन्ना, सरसों, गेहूँ। तो उसमें मैंने गन्ना बोया है। पहले गन्ना सर बोते थे हम देसी बीज से, अब की मैं देसी जब करते थे सर, तब उसको हमने उसमें बोया, पैदावार होती थी 700-800 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अब की मैंने बोया है गन्ना जो, वो सर मैंने वैज्ञानिक विधि से, उसमें मुझे गन्ना की उपज प्राप्त हुई है 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितने साल से उसमें गन्ने का कर रहे हैं अरविंद जी? गन्ने सर कर रहे हैं करीब हो गया 7-8 साल हो गया हमको लगातार अच्छा, करते हुए। कभी मन नहीं करता है कि गन्ने से बाहर निकल के कुछ और करें? नहीं सर, करते हैं, गेहूं भी करते हैं, आलू भी होता है, सरसों भी करते हैं, सब सर खेती करते हैं। इस बार सरसों का अनुभव कैसा है? सरसों सर बहुत अच्छी हुई है, 2 कुंटल मतलब 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर से हुई है हमारी अच्छा, और इस बार जी। तो दाम भी सरसों के अच्छे मिले हैं कहते हैं। सरसों सर बहुत अच्छे दाम मिले हैं सर अच्छा, जी। अरविंद जी, आप जिस मिल को गन्ना बेचते हैं, क्या उस मिल ने इथेनॉल प्लांट लगाया है? क्योंकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं कि गन्ना किसानों को सुरक्षित रखना है तो सिर्फ चीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए। और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसान को कभी भी चिंता न रहे, वरना क्या होता है, चीनी ज़्यादा हो जाती है तो गन्ना किसान को तकलीफ हो जाती है क्योंकि मार्केट गिर जाता है। चीनी कम होता है क्योंकि गन्ना कम हुआ तो भी किसान को तकलीफ हो जाती है, और इसलिए हम इथेनॉल पर जोर दे रहे हैं। तो आपके यहाँ जो गन्ना जहाँ आप देते हैं वहाँ इथेनॉल का कुछ हो रहा है? क्योंकि आपके पीछे तो बढ़िया सारे चित्र दिख रहे हैं। जी, इथेनॉल प्लांट सर लगा है यहाँ हरियाणा चीनी मिल, तो इससे हमको लाभ सर ये मिला है, जो इथेनॉल जो बिकता है सरकार खरीद लेती है, उससे पेमेंट जल्दी होता है मिल वालों को, मिल वाले हमको पेमेंट कर देते हैं, उससे हमको बहुत लाभ है सर। हम अपना टाइम से जब पेमेंट मिल जाता है तो हर चीज टाइम से कर लेते हैं, और उससे ये पेट्रोल में मिला के जैसे डाला जाता है तो उससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है अच्छा, जब पहले इथेनॉल का प्लांट नहीं था जी। और सिर्फ आप गन्ना ले जाते थे और वो जब चीनी बन करके बिकती थी तो पैसे देते थे, अब क्या बदलाव जी आया है? अब सर बदलाव यही है, जब पहले चीनी खाली बनती थी तो उसमें पेमेंट चीनी बिकती थी, ज्यादा बन जाती थी वो डाउन रहती थी मतलब रेट, तो उससे पेमेंट हम लोगों का लेट होता था। अब जो है इथेनॉल जब से लग गया तब से सर पेमेंट हमारा टाइमली हो जाता है, किसान उसमें बहुत खुशहाल है सर। अच्छा अरविंद जी, आपको मालूम है, आप तो युवान है और खेती के काम में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इन दिनों पूरी दुनिया में जैविक खाद और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केमिकल फर्टिलाइजर दवाइयाँ से मुक्त, उसका बड़ा जोर बढ़ रहा है, लोग उसी को खाना चाहते हैं, तो आप उस दिशा में कभी सोचे हैं? जी, हम खेती जैविक मतलब हम ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैसे ढेंचा मैंने बो देता है, और ढेंचा बोने के बाद में कंपोस्ट खाद वही डालते हैं सर, रसायन बहुत कम प्रयोग करते हैं। यूरिया वगैरह उपयोग नहीं करते हैं? यूरिया सर छिड़काव करते हैं एनपीके का 2 बार बहुत ज्यादा ज्यादा, यानी उसमें वो अभी सर शत बहुत अच्छा। प्रतिशत जैविक नहीं कर रहे हैं आप? नहीं 100% नहीं सर, एनपीके गन्ने में छिड़काव पत्तियों पे करना पड़ता लेकिन है, क्या उसमें बहुत सर मन बचत करता है कि शत प्रतिशत जैविक करेंगे और अरविंद करेंगे जी की सर सारी जो चीजें बनेगी वो जैविक नाम से ही जी। बिकेगी, ऐसा मन करता है? मन करता है सर, करेंगे हाँ, सर तो इस जी बार सर संकल्प कीजिए आप। जी सर, संकल्प हाँ, लेते हैं करेंगे सर देखिए, इससे बहुत लाभ होगा, बहुत किसानों को लाभ होगा। और जी। जो धरती माता है ना, जैसे हम अपनी माँ बीमार हो जाए तो कितने चिंतित हो जाते हैं, हमारी धरती माँ अगर बीमार हो जाए, ये सारे केमिकल डाल डाल करके धरती माँ को हम बर्बाद कर दें तो धरती माँ भी रुक जाती है, तो धरती माँ की भी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी तो चाहिए ये सर भी हमारी माँ है और उस माँ जी को हम परेशान करें वो तो कितना उचित होगा। तो आप भी किसानों को जी ये बताइए, मुझे बहुत अच्छा जी लगा आपसे बात कर करके, और आप जैसे नौजवान और वो भी
नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। मेरी आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मालूम है सोलार पंप का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पानी के स्रोत कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है, तो डीजल वीजल उपयोग करने की जरूरत नहीं, सोलार पंप से ही आपका काम चल जाएगा, तो वो भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा होगी। बंजर जमीन में भी हम पानी पहुंचा करके बिना खर्च अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। अरविंद जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।